संगीत जोड़ी हमारे बीच आई है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जो हवा-हवाई गाना है इट योर फर्स्ट पहले मेरी जिंदगी का सबसे पहले शरारती गाना जिसको बोलते हैं तो। ये गाने के पहले जो उसमें गाया जाता है वो क्या है मैं जब घर में अंदर घुसी उसके बाद बैठ के चिक्की लकी मम्मी सोची मैं कुछ पागल हो गया कुछ बैठा

So, you studied MEBS? When I'm in second year, suddenly I see a tremendous, beautiful violinist playing, so fantastic. And I didn't know what he was playing, but I really was fascinated. I said, I want to write music and bring, play music like that. Wow, the great Hemant Kumar. आइसक्रीम खा कर ये गाने वाले मेरा, मुझे तो हमेशा सर्दी खांसी का प्रॉब्लम रहता है मैं तो कैसे गाएंगे हम करके करके हमें तो उनका, करके हमें उनका जो बेस आता था तो आइसक्रीम का रिजल्ट ऐसा है। तो तो मुझे रोज आइसक्रीम <laughs> खाना चाहिए मेरे सिर पे भूत के तरह घूमता था ये तो

दिस ब्यूटीफुल अदरक हेयर मेड पंचमदा का फोन आया तो यू डोंट माइंड कमिंग एंड सिंगिंग इट आई सेड पंचमदा व्हाट डू यू मीन यू डू माइंड ऑफ कोर्स आई विल कम एंड सिंग इट फॉर यू पर 4 तारीख को तो पंचमदा गुजर गए हम लोगों ने पंचमदा की खूब कहानियां सुनी आर डी बर्मन साहब की हाउ वाज ही फैंटास्टिक आई हैव नॉट सीन अ बेटर पर्सन इन माय लाइफ इन माय लाइफ आई हैव नॉट सीन हिम राजा ही वाज अ रॉयल ब्लड ही वाज अ रॉयल मैन थोड़ा सा गुनगुना दे तो

अभी लेके आए ले गॉन लाइफ का करंट ऑन तो हम लोगों ने जब पहली बार फिल्में देखना शुरू किया तो हमें लगता था कि टीवी के अंदर एक दीदी बैठी हुई है हमारी दीदियों जैसी उम्र में हमसे खूब बड़ी और वो अंदर बैठकर गाना गाती हैं जब बड़े हुए और समझ में आया कि ये जो दीदियां हैं या ये जो कमाल की सिंगर्स हैं जो हमें उस उम्र में अपने से खूब बड़ी लगती थी क्योंकि हिरोइने भी बहुत बड़ी लगती थी हम तो चार छः आठ साल दस साल के थे इनके नाम हैं और ये बहुत कमाल की फनकार हैं कमाल की आर्टिस्ट हैं जब इनके नाम सीखने शुरू किए जब सिंगिंग के इनको अवॉर्ड्स जीतते देखा तो लगा कि ये ख्वाहिश की तरह कभी इनसे बात या मुलाकात हो पाएगी क्या पत्रकार बनने का ये एक सुभीता होता है आपको महान लोगों से मिलने का मौका मिलता है और ऐसा ही मौका हमें आज मिला और जब मौका मिला तो हम हो गए खूब नर्वस समझी में नहीं आया कि परिचय कैसे करवाया जाए तो अपनी झिझक और अपने भय को दूर करने के लिए तय हुआ कि अभ्यास के रास्ते पर चला जाए और थोड़ा सा डिसिप्लिन भी और हमने इस शख्सियत के गाने बजाने शुरू किए दफ्तर आते वक्त नाइन्टीज़ के तीन गाने का जब इतफाक में बैक टू बैक बजे जिससे इन सिंगर की रेंज का पता चला एक तो बहुत ही क्लासिक और ऐतिहासिक फिल्म है जिसका नाम है जुड़वा और उसके गाने प्ले हुए है ना और उन गानों को सुना तो उसके बाद एक फ़िल्म आई थी पुकार तो जुड़वा में मेरे ख्याल से अनुमलिक का म्यूज़िक था पुकार में ए आर रहमान का म्यूज़िक था और उसमें एक शब्द आता है के सेरा सेरा और उसको फिर एक्सप्लेन करते हुए गाना है जो भी हो सो हो हमें प्यार का है आसरा फिर चाहे जो हो और उन्हीं दिनों एक और फिल्म आई थी बहुत कमाल की जिसको बाकायदा डिक्लेयर किया गया था कि इट्स अ म्यूज़िकल खामोशी द म्यूजिकल खाम और उसमें एक गाना आता है प्यार हुआ चुपके से ये क्या हुआ चुपके से तो हमको लगा कि ये एक आवाज़ है जो प्यार के कितने अलग अलग शेड्स को एक ही वक्त पर स्वर दे रही है कुछ और बरस बीते तो इसी आवाज़ को हमने राग अहीर भैरव में अलबेला सजन गाते गुनगुनाते उस्ताद राशिद खां का साहब के साथ सुना और कुछ दशक बीते फिर एक फिल्म आती है रॉकस्टार और उसमें हम इरशाद कामिल के लिखे हुए बोलों को जब स्वर की पैरहन में देखते हैं तुमको पाही लिया तो हमें लगता है कि एक निष्कंप लॉ जल रही है दशकों से जो कितने ढंग से कितनी शास्त्रीयता के साथ गोया उन्हें स्वयं शारदा का आशीर्वाद प्राप्त हो हम तक बातों को और भावों को पहुंचा रही है हमारी आज की जो पहली मेहमान हैं उनका असल में नाम भी शारदा है लेकिन पूरी दुनिया उनको जानती है कमाल की सिंगर कविता कृष्ण मूर्ति के नाम से पर परिचय यहाँ रुकता नहीं क्योंकि गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज दो मेहमान हैं दूसरे मेहमान हिंदुस्तान के बेहद महान बेहद प्रतिभाशाली वायलिन वादक हैं जो तमिल और अंग्रेज़ी भाषाओं में निष्णात हैं इसलिए बीच बीच में ये इंटरव्यू हिंदी से अंग्रेज़ी में शिफ्ट होगा जब हम उनसे बातचीत करेंगे इनका जन्म हिंसा और युद्धग्रस्त श्रीलंका के जाफ़ना में हुआ बाद में परिवार हिंदुस्तान आया और उसके बाद डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर आगे का सफ़र तय हुआ इनके पिता भी बहुत महान वायलिन वादक थे और उन्हीं के नाम पर एक म्यूज़िक फ़ेस्टिवल की स्थापना हुई है ग्लोबल म्यूज़िक फेस्टिवल लक्ष्मी नारायण जी के नाम पे और उसी सिलसिले में ये कमाल की संगीत में जोड़ी हमारे बीच आई है कविता जी का मैंने परिचय दिया दूसरे हमारे आज के मेहमान हैं अल मनियम साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में Thank you and welcome in our show where we get to interact with people with legends like you. Legend. And it's an honor to host you in our newsroom. Very kind of you to say that. Pleasure. So, when I was gearing up for this show, I was talking to one of my friends who is into singing as well. And I was very confused. I said, Ki, What do you think of Kavita Krishnamurthy?" She said, When I hear Kavita Krishnamurthy, it's like you are sitting. विद ऑप्थेमोलॉजिस्ट योर आई साइट इज ब्लरी एंड देन ऑल ऑफ अडन ही फिक्सेज योर ग्लासेज ही पुट्स अंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर तो उन्होंने हमसे ये कहा उन देवी जी ने कि कविता कृष्ण मूर्ति जी की आवाज़ क्रिस्टल क्लियर आवाज़ है फिर वो मुझे संगीत की पदावली में समझाने लगी कि बहुत हाई नोट मेल वॉइस कैसी होती है फीमेल वॉइस कैसी होती है फीमेल वॉइस हाई नोट पर जाती तो उसके श्रिल होने का खतरा होता है पर कविता जी उसको इतनी असाधारण खूबसूरती के साथ बरतती हैं फिर उन्होंने डी फाइव और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताईं जो मेरे मुंह से शोभा नहीं देगी क्योंकि मुझे वो भाषा समझ में नहीं आती है मेरी दोस्त या मैं या हमारे ये साथी ये अकेले नहीं हैं इनकी संख्या करोड़ों में है आपके आने से पहले मैं अपने नौजवान दोस्तों से पूछ रहा था सब ने बड़े अलग अलग गाने बजाए सो यू आर पार्ट ऑफ Our Sur, you are part of our musical journey. You are part of our Sangeet Sansar. So, thank you so much. Before we start talking to you, my gratitude, my team's gratitude. it's an honour and privilege to be part of your show, for both of us. Tell me about this fest, sir, which you organised from 1992 onwards. Yeah, it started in 1992. It was, in, it's in the memory of my late father who passed in 1990, December. And one year we waited, and we want to launch it on his birthday, which is January eleventh. So we launched it on January eleventh, nineteen ninety-two, with Bharat Ratna MS ji lighting the lamp and singing the prayer song. Wow! With another, some other great artists, and different people were there. At that time, we wanted to do it in Chennai. At that time, it was called Madras. We started in Madras. Slowly, other people in other states said, "Why don't you do it here also?" we would like to hear it so it spread now we have done it in many 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 countries all the five continents mm. and different cities in different parts of the world and it's not not indian music at all it is called global music festival where we had the pleasure of having some of the greatest artists from western classical to top jazz artists to our own uh, different traditional singers and instrumentalists western violinists lord menuhin came people like that so the, this is the 33rd year and this year we are almost uh, bringing uh, an orchestra and the choir which is close to 100 people will be on the stage including our own musicians so i'm very happy about it because it has grown, grown so big and we had the same festival in russia moscow and siberia and uh, also kazakhstan we had this festival we played in different places now we are bringing this uh, whole group and uh,

पब्लिक के लिए फ़्री वेलकम टू ऑल रखें ताकि जो भी जिनके पास पैसे हो या नहीं हो किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये फेस्टिवल हमारे लिए नहीं है तो हमने बहुत इतने सालों से कोशिश करके वी स्टिल वी हैव नेवर चार्ज द पब्लिक एनी मनी इट्स वेलकम टू ऑल फ्री टू ऑल आप लोग इस फेस्टिवल को लेके दिल्ली आए हैं और अब हम लोग दिल्ली की एक बहुत पुरानी मेमोरी में दाखिल होते हैं जब आपकी दूसरी माँ जैसी जिनको आप मामूनी कहते हैं हाँ। वो आपको सुरमा बासु के घर लेकर गई थी वॉज दैट योर फर्स्ट म्यूजिकल लेसन हाँ सुरमा बासु जी के घर नहीं वो सुरमा बासु जी आती थी अपनी काली कालीबाड़ी है ना दिल, दिल्ली न्यू दिल्ली कालीबाड़ी। बाड़ी वहाँ पे जो मेन पंडित है उनके घर जो होता है कॉम्पाउंड के अंदर ही वहाँ पे सुरमा जी आके रविंद्रनाथ टेगोर म्यूजिक सिखाती थी, थी रविंद्र संगीत तो मुझे बहुत आ, मेरी मम्मी सबको घर में म्यूजिक पसंद है तो सोचे थे कि कहीं ना कहीं म्यूजिक सीखूँ उसके तो सीखना ऐसा हुआ कि उसके पहले हेमा जी हेमा मालिनी जी दिल्ली में हमारे नेबर में नेबरहुड में कहाँ रहते थे आप लोग दिल्ली में हम लोग दिल्ली में मंदिर मार्ग में रहते थे वो गवर्नमेंट के बंगलो फिर थे थे। थे। पास में आपको पता कि वो डलाउजी स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर होता था तो एक हेक स्क्वायर या लेग स्क्वायर में कहीं हेमा जी का घर था तो हेमा जी और मेरी सिस्टर भरतनाट्यम सीखने जाते थे और मैं तो बहुत छोटी थी साथ में मुझे भी खींच के और मैं बोलती थी मुझे डांस नहीं सीखना है डांस नहीं सीखना है वो ता नहीं करना है मुझे तातई वगैरह जो भी है तो ये लोग सीखते थे पति क्या ये बोलती जा रही है ऐसे कर फिर मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली आई वार्टिड टू तो लर्न म्यूज़िक मैं बोलती थी मुझे गाना सिखाओ मुझे डांस नहीं सीखना है तो वहाँ से सुरमा जी के यहाँ लेके गए और वहाँ से मैं और मेरे भाई दोनों टेगोर्स म्यूज़िक से शुरुआत हुई फिर आस्ते आस्ते हिंदुस्तानी में राग, तो राग नहीं मेरे मास्टर जी मम्मी और सामने अगर आप कि आपकी बेटी, रूम में एक भजन सुनाए एक कोई गीत सुनाए बिल्कुल नहीं होगा तो फिर आप मैं नहीं आऊंगा यहाँ सिखाने के लिए इनको तो पहले दो साल लगेंगे सिर्फ सुर को पहचानने में कि सा क्या है रे क्या है तो मैं सिर्फ इनके इनसे अलंकार करवाऊंगा एक भी राग नहीं सिखाऊंगा तो उस टाइम आप प्लीज दखल ना देना और यही रियाज इनको करना है तो दो साल कुछ भी नहीं सीखे हम लोग सिर्फ सारेगा सारे गेगा रेगा रेगा म गा गे ये कर रहे थे फिर एक दो साल के बाद पहला जो राग सीखा वो था राग भोपाली ई तनो जो बन पर माना न करिए थोड़ा एक, दो सा ई <laughs> हाँ, तनो जो बन पर मान न करिए सारी गफ़ा सा सदा फगर सा ये था उसके बाद बहुत शौक से मास्टर जी सिखाते थे वो एक घंटा वाला क्लास नहीं होता था उनको देखकर ही हम लोग पिट्ठू खेलते थे कंचा पिट्ठू विट्ठू चलता था तो मास्टर जी आ गए भागो और मास्टर जी के साथ दो ढाई घंटा आराम से बहुत प्यार से सिखाते थे वो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड What a wonderful journey it has been so far. वेल इट्स बीन वंडरफुल फॉर वन रीजन नॉट नॉट बिकॉज आई हैव मै प्ले बैक सिंगर या मुझे बहुत सारे गाने मिले बट जस्ट टू बी इन म्यूजिक जस्ट आई हैव मेट सो मैनी ग्रेट पीपल इन म्यूजिक सो मैनी पीपल हु हैव हुन आई हैव सीन इट्स लाइक अ भक्ति उन लोगों के साथ उठना बैठना ही मेरा जीवन सार्थक हो गया मैं गाऊँ या ना गाऊँ जस्ट टू बी जस्ट उसी की रियाज़ क्या होता है हार्डवर्क क्या होता है म्यूज़िक कहाँ लेके जा सकता है मैं जब एक बहुत अमीर ख़ान साहब को सुनती थी किशोर यमुनकर वो दो घंटे वो जो म्यूज़िक सुनने के बाद जो मैं घर आती थी ना ऐसा लगता था कि वो थोड़ी देर के लिए मैं स्वर्ग पहुँच के आई हूँ दिस हैज़ बीन माई जर्नी आई हैव मेट मैनी ग्रेट पीपल विदाउट बोस्टिंग इवन माई हजबेंड मैनी सिट्स फॉर रियाज इट्स कम्प्लीट एट दैट पॉइंट बिलीव मी आई एम नॉट बींग स्टिडली हम्बल i sometimes feel i don't have to sing i don't have to be in music the fact that god has given me the ability to love music that's been the most fulfilling part of my life आपने जब कहा ना कि मैं बहुत महान लोगों से मिली संगीत के जरिए तो जो सबसे पहला नाम फर्स्ट नेम which came in my mind was the great hemant kumar yes very very then you got to sing with him

स मुंबई सेंट मुंबई तो, तो रहती थी दिल्ली में स्कूलिंग किया hmm. फिर मेरी आंटी मामिनी जो है वो हाथ पकड़ कर तब तक हेमा जी ड्रीम गर्ल बन गई थी तो मम्मी ने सोचा मुझे भी कुछ ड्रीम सिंगर बनाएंगे तो बोली तुम्हारा फ्यूचर मैं बॉम्बे में देख रही हूँ तो बॉम्बे लेके आई और मेरे पेरेंट्स ने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं किया क्योंकि मामि वॉज दी लाइक द एलस्ट माई फादर सेट मामिनी इसको uh, क्लासिकल म्यूजिक नहीं करवाए हम लोग शीस मामली सेड नहीं मिस्टर कृष्ण मूर्ति आई सी हर फ्यूचर इन प्लेबैक तो लेके आई और सेंट में भर्ती हुई तो वहाँ पर सारे फिल्म के लोग थे तो इसलिए किसी को चीफ गेस्ट बुलाना मुश्किल नहीं था तो हेमंदा को चीफ गेस्ट बुलाए कॉलेज डे फंक्शन सारे व्हेन यू से सारे फिल्म के लोग थे बहुत सारे बच्चे थे इनफैक्ट शबाना जी और फारूक जी मेरे सीनियर हैं फारूक शेख फारूक शेख साहब वो तो हमारे कैंटीन संगीत मंडल यहीं घूमते थे इन फॉर्म हाँ जी और इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि एक साल तो मैं फ़ारूक शेख साहब की वजह से मैं अपना इकोनॉमिक्स पेपर दे पाई क्योंकि प्रोग्राम्स वोग्राम्स करती थी थोड़ा पढ़ाई थोड़ा पेपर में क्लासेस वासेस थोड़े मिस हुए तो जब उन्होंने देखा मैं परेशान होकर कॉरिडोर में गुरु लिख हुआ मैंने कहा यू नो आई फारूक जी माई एग्जाम्स आर इन अ वीक एंड आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस सब्जेक्ट दिस हज कैन यू कम स्टे बैक फॉर वन वी वन आवर आफ्टर क्लासेस आई सट श्योर तो वन हम तीन चार जनों को पढ़ाते थे वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड यू नो वी पास ऑल ऑफ अस तो मैं तो वो कॉलेज डे फंक्शन में मुझे सुने mm -hmm. और उनकी बेटी रानू एस माई क्लासमेट रानू मुखर्जी mm -hmm. पर रानू अपने फादर के साथ प्रोग्राम्स करना नहीं चाहती थी उसको इंटरेस्ट नहीं था तो हेमंदा बोली मेरी बेटी तो नहीं गाती है तुम आप मेरे साथ जूट गाओगे क्या शोज में यही से मेरी शुरुआत क्या कॉलेज में आके पूछ लिया उन्होंने या बुलाया कॉलेज डे के बाद डे के बाद, बाद क्वाड्रैंगल में शी सेड सेड आई माय डैड वांट्स टू मीट यू कम तो एक को, अमी, अमीन सियानी जी भी गेस्ट थे क्या गाया था आपने के साथ जाइए आप कहा जाएंगे आशा जी का गाना गाया था स्टेज पे तो हेमंदा के साथ मेरी शुरुआत हुई और वट इज द फर्स्ट जूट आई सैंग उदयपुर गए और उदयपुर में मेरे सोलोस लता जी के गाने गाती थी और सबसे पहला ड्यूट स्टेज में मैंने शु, शुरू किया था तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे अमेजिंग आप थोड़ी देर पहले फारूक शेख साहब का जिक्र कर रही थी व्हेन वी वर इन स्कूल उनका एक प्रोग्राम आता था इंटरव्यू का जीना इसी का नाम हाँ है हाँ हा। बहुत कमाल का प्रोग्राम था जब हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया गेस्ट इन द न्यूज रूम हाँ। तो हमारे दिमाग में या फैंटास्टिक सीरीज उसमें वो गेस्ट भी बुलाते थे जो क्लोज टू दी या और फारुक शेख जी की मैं बहुत बहुत चीज़ें बता सकती हूँ एक बार लंदन में हम लोग सब शो करने गए थे उनकी इंसानियत पता चलता है कि वो शो के बाद ऐसा हुआ कि मैं सारे हमारे म्यूजिशंस के साथ ही गए थे पर वो लंदन में पार्टी था लंदन में शो हो रहा था तो सारे म्यूज़िशियंस थोड़े पी पा के उनको खाना और मुझे घर अपने होटल वापस जल्दी आना था और मैं अकेली गई थी क्योंकि मम्मी होटल में थी वो तबीयत ठीक नहीं था तो मैं अकेली गई इस पार्टी में शमी कपूर जी सब थे उस पार्टी में तो जब वापस आना था मेरे पास कोई कार नहीं था क्योंकि म्यूजिशियंस और एक दो घंटा लगता मैं सोची थी कैसे जाऊँ वापस तो फारूक जी वहाँ थे पार्टी में इस इट बॉट यू वॉन्ट टू गो बैक टू द होटल ऐसे फारूक जी येस बट आई डोंट हैव अ कन्वींस आई डोंट नो हाउ टू गेट बैक इट ऑलमोस्ट वन आफ फ्रॉम माई होटल तो उनके कार में उनकी वाइफ रूपा जी बीच में अपने वेरी स्वीट एक्ट्रेस उनका नाम क्या है मैं बताती हूँ वो बैठी हुई थी तो बोले ए मूव मेक प्लेस फॉर कविता शी हेज नो शी हेज नो कारो बैक वीव टू ड्रॉप फर द होटल सो दे लुक वी आर ऑलरेडी क्राउडेड लाइक बी स्टारीटर सेट यू नो आई सेट

हमने तो सुना है हेमंदा के बारे में और हेमंत दा को सुना है आ, अंग्रेजी में जब पहली बार हमने मेलनकली वर्ड सुना था हाँ. तो हमको लगता था कि इस वर्ड को अगर कोई आ, स्वर दे पाएगा हाँ. तो वो या तो एस डी वर्मन है हाँ. पर उन्होंने बहुत कम गाया हिंदी में तो बहुत ही कम है उनका हाँ. और फिर हेमंत दा को सुन के लगता था कि ये तो बहुत आप लूप में घंटों सुन सकते हैं आप अपने एकांत में सुन सकते हैं हाउ वी विद हिम अराउंड डू एट एंड यू नो वो ऐसे इंसान थे कि आई डोंट थिंक उनके उनको कोई हिसाब किताब था कि उन्होंने क्या कमाया है और अपने लिए तो कमाया ही नहीं है जो भी उन्होंने कमाया परिवार के लिए उनका इतना सिंप, सिंपल रहना सहना तो मनी मनी वॉज नॉट अ फैक्टर इन विज लाइफ एट ऑल वो और फिर दूसरी बात है कि बहुत कम बोलते थे बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे और एक इंसान देखा है जो आइसक्रीम खा के इंसुलिन का इंजेक्शन लेके स्टेज पे स्टेज पे चढ़ रहे हैं आइसक्रीम खाया है इंसुलिन का इंजेक्शन लिया है आइसक्रीम खाकर और मैं सोच रहा हूँ आइसक्रीम खाकर ये गाने वाले और मेरा मुझे तो हमेशा सर्दी खांसी का प्रॉब्लम रहता है मैं सोचती हूँ कैसे गाएंगे और जाते थे पहला नोट वो हारमोनीयम खुलता था एकदम सीधा माइक के सामने खड़े होके फर्स्ट नोट उनका इतना खुला बेस के साथ जैसे एक होता है ना हम लोग एक छोटी आवाज़ में भी गा सकते हैं uh, suppose, uh, हम लोग गाते बेकरार करके हमें तो उनका एक बे जो बेस आता ना बेकरार करके हमें जो बेस आता था और मैं देख रही हूँ ये आइसक्रीम का रिजल्ट ऐसा है तो, तो मुझे रोज आइसक्रीम <laughs> खाना चाहिए ऐसा होता था कमाल का अच्छा और इन लोगों की इन इनका इनका देख लिया मन्ना था कभी देख लिया माइक पे इनका लेवल्स कभी शिफ्ट नहीं होता था कि ऊपर गा रहे हैं तो लाउड गा रहे हैं नीचे गा रहे हैं तो वॉइस ड्रॉप हो गया कभी नहीं जो नीचे जो दा रा आसान से ऐसा मतलब जैसे कुछ भी कीजिए लेवल शिफ्ट नहीं होगा वॉइस का ये कैसा कमाल है वॉइस का अमेजिंग और उन्हीं हेमंत ने आपका नाम भी बदलवा दिया <laughs> वो तितली उड़ी की वजह से तितली उड़ी ये क्या कहानी है वो स्टेज पे जाती थी तो लोग बोलते थे तितली उड़ी गाओ तितली उड़ी गाओ क्योंकि शारदा जी का बड़ा फेमस गाना था ना वो जी शारदा राजन जी का हाँ

Before we shift to his story, एक आपका कॉन्शियसली माइग्रेशन हुआ दिल्ली से मुंबई mm. इनका फोर्स था बिकॉज ऑफ दिन श्रीलंका पर आपकी कहानी में मामनी का बार बार जिक्र रहा है एंड वी फाउंड इट वेरी इंडियरिंग दिस इज लाइक एज इफ कृष्णा गेट्स टू लिव विदोदाट दस प्लीजाउट थी कृष्ण और एजुकेशन मिनिस्ट्री में माय फ़ादर और हेल्थ मिनिस्ट्री में माय अंकल बंगाली अंकल भट्टाचार्य नेबर्स थे तो मम्मी और प्रतिमा मामिनी जी का बहुत दोस्ती हो गया तो माई फादर गॉट अ प्रमोशन ही बिकेम अ डिपूटी सेक्रेटरी एंड ही वॉज ट्रांसफर टू मंदिर मार्ग और मंदिर मार्ग में तो काफ़ी मतलब गवर्नमेंट हाउस क्वाइट बिग पुराना पुराना जो घर होता है तो माई मदर सेड नहीं प्रतिमा नहीं आएगी तो मैं शिफ्ट नहीं होंगी आई एम नॉट शिफ्टिंग आई एम स्टेग एयर तो दैट टाइम मेरे फादर वेंट टू अंकल जी ब्रदर भट्टाचार्य सर यू नो दे आर सो अटैच्ड वाई सेपरेट देम। यू लीव योर गवर्नमेंट हाउस माय हाउस इज़ बिग इन फॉर एवरीबडी लेट्स लिव टुगेदर। सो माय अंकल सरेंडर्ड हिज गवर्नमेंट हाउस एंड दे केम इन स्टे विद माई फादर वन गवर्नमेंट हाउस विद टू किचन सर टू कॉर्नर रूम वन साउथ इंडियन वेजीटेरियन किचन वन बेंगाली मच्छी मीट किचन और मैं उसके बाद मैं पैदा हुई मेरा ब्रा ब्रदर वज बॉर्न आई वॉज बॉर्न इसके एंड माई दीदी वॉज ऑलरेडी बॉर्न शी ओल्डर एंड माई एल्डर ब्रदर ऑलरेडी बॉर्न तो हम लोग लो, वी ग्रो अप इन वन हाउस स्पीकिंग हेलो कैमोना चो तुम हैविंग सांबा शादम फॉर राइस और बीच बीच में जाके मच्छी ये भी खा लेते थे माई फादर इज टू आई डोंट नो दैट दे ईट नॉन वेजिटेरियन इट्स ओके उसे प्रटेंड करते थे बट आई थिंक ही न्यू वी सो आई ग्रू अप विथ टिगोर सॉन्ग एंड ऑल्सो आई ग्रू अप लिसनिंग टू कर्नाटिक म्यूजिक लाइक मदरिमनी अयर हु ग्रेट ग्रेट क्लासिकल आर्टिस्ट कर्नाटिक क्लासिकल दोनों सुनते थे और जब रिकॉर्ड्स पहले रिकॉर्ड प्लेयर आया तो उसमें एम एस सुबलक्ष्मी का भी रिकॉर्ड आया रविशंकर जी और अली अकबर खां साहब का भी रिकॉर्ड आया और उसके साथ आमिर ख़ान साहब का भी रिकॉर्ड आया तो उस एटमॉस्फेयर में मैं पली हूँ तो इसलिए और फिर आप देखिए मेरा करियर बॉम्बे महाराष्ट्र में बना है एंड आफ्टर मैरिज आई एम सेटल्ड इन कर्नाटका बेंगलोर में रहती हूँ तो समटाइम्स आई फील ट्रूली इंडियन आई डोंट फील कि आई बिलोंग टू एनी लैंग्वेज आई जस्ट आई फील एट होम एनी वेयर आई गो इन इंडिया आई डोंट फील दैट इट्स नॉट माई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं फील करती हूँ मैं इट्स बीन अ गिफ्ट बिकॉज इट दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होना बहुत कल्चरल डिफरेंस लगा आपको हाँ शुरू में मैं बहुत अनहैप्पी थी क्योंकि बॉम्बे में आकर एक छोटे से कमरे में रहना यू नो पेइंग गेस्ट के तरह फिर वहाँ से कॉलेज जाना और फिर वो प्रोग्राम्स में भी जब जाती थी वो कमर्शियल प्रोग्राम्स था और मुझे कुछ अच्छे लोग मिलते थे पर कुछ अजीब लोग भी मिलते थे तो मुझे लगता था लो? अजीब लोग मतलब वेरी कमर्शियल ओरिएंटेड मतलब देखकर कि You know, इससे शो करवाओ तो माय मदर हैड टू तो प्रोटेक्ट मी माय मामनी हैड टू तो प्रोटेक्ट मी और फिर दिल्ली में बहुत चाइल्ड चाइल्ड -like लाइक लाइफ था सडनली यहाँ के कॉलेज करो फिर एक छोटा सा कमरे में रहो मुझे आई वॉन्ट टू गो बैक टू डेली तो मैं हर दो महीने मम्मी को बोलती थी आई वॉन्ट टू गो बैक टू डेली तो वो महालक्ष्मी टेम्पल है बॉम्बे में लता जी का प्रभु कुंज के अपोजिट में तो वहाँ लेके जाती थी बोलती देखो तुम्हारी जो देवी है ना ये यहाँ रहती है प्रभु प्रभु कुंजी और सिंग यू वॉन्ट टू बी लाइक हर नो शी इज हयर और दूसरी देवी यहाँ माँ माँ एकदम डायग्नली ऑपोजिट महालक्ष्मी टेम्पल शी से इनको यहाँ प्रणाम करो चलो महालक्ष्मी टेम्पल वहाँ करके फिर मुझे अच्छा रगड़ा पैटिस वगैरह खिलाते थे और वो समुद्र के किनारे बैठ के बोलती थी तुम्हें अपने दो पैरों में खड़ा होना है तुम्हें गाना गाना है उसके लिए यही शहर ठीक है दिल्ली में जाओगे तो तुम गा नहीं पाओगे यहाँ तुम गाओगे ऐसे छः 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 महीना लगा उसके बाद अब मैं एडजस्ट हो गई उसके बाद जो मुझे बॉम्बे अच्छा लगा सारी जिंदगी भर मतलब आई एम ग्रेटफुल इतने अच्छे अच्छे लोग वहाँ मिले हेमंदा से शुरुआत आई कम बैक टू दिस लता जी स्टोरी बट सर फॉर हर एंड फॉर हर गार्जियन इट वॉज अज एन ऑप्शन एंड शी बिकॉज ऑफ अ करियर हाउज इट फॉर योर फैमिली मूविंग फ्रॉम ज़ाफना टू I was born, I mean, in Madras. Those days, now it is called Chennai. Then my father, those days violin was basically an accompanying instrument. It was not a major solo instrument. So usually accompanists had uh, not that glorious opportunities or life always, you know, you have to play less. Sometimes you play more and get let more attention. Next concert, you are not called. All those things were happening. So he got an opportunity to be a visiting professor in Jaffna College, uh, in Ramanathan College in Jaffna, I'm talking about uh, before, much before I was born. He was there. He used to right go. before there. you were born, he used to. And go And you there. were born in 1947. 47 in Chennai, Madras. So, he so went, even before that he was teaching there. He was teaching there. He used to come back. Few years he will teach. He will get homesick. He will come back, be in Madras because his brothers and sisters they were there. Then again, <laughs> when there is difficulty, he will go back and accept like that. He did couple of times. So after I was born, I think early fifties, last time he we went to Sri Lanka, at that time we were in Colombo, not in Jaffna. There was a radio station, Radio Salon. He was one of the director, um, head of the whole orchestra. He was playing a lot, recording a lot, and also promoting those days in Sri Lanka. The Bharatanatyam, Rukmini Devi Arundel's uh, Kalakshetra was very famous. So a lot of people used to come and learn Bharatanatyam dance drama everything used to happen and others from you know tawil and others from other traditional south indians it was very popular so listening to other concerts like vocal violin all those things you want to propagate and promote we started doing a lot of those things there and 1958 uh, suddenly all of a sudden bandar naik uh, regime was there at the time bandar no it's his father okay it, so he there was all the Buddhist monks were very very influential they decided who will come to power and not all those things so these these people suddenly said you know Sri Lanka for Sri Lankans so we have to get rid of all the because a lot of the Indians were taken to work in uh, you know tea gardens tea, tea garden during British time they were all shifted and taken they were taken as slaves or whatever it is so a lot of Indians who were there all of a sudden you know, 1958 they were all massacred and lots of people were killed. Actually, that never came out because it was all covered because the Buddhist monks used to go to the radio and announce if you see a uh, young guy or a pregnant woman, first kill the pregnant woman because you'll get rid of two people. Otherwise, young guy will be only burnt person. This was announced on radio? Radio. I mean, they used to make an announcement publicly everywhere. The Buddhist monks used to announce. And people just followed. It is what happened. You are saying the basis of your own memory or you heard yes, yes. it? No, no. I was, we escaped 19. You must have been 13 years old, 12, 11, 13. 11 years old. But what happened in our own house was, my next to my house, there was a neighbor who was a Sri Lankan lady, very close friend with my mother. She used to uh, give, whenever there's Diwali New Year, all those things, she used to give sweets to her. And so they became very friend so she was even though she was a sri lankan lady she was very very close uh, friend of my mother so one day she told you know today you know they are planning to attack your family tonight so please go she went and came and cried at the time there was no news we didn't know there was no television no, no news nothing was there so then she said they have also poisoned your well because there was a well we used to take water from there well is poisoned then even then my father didn't believe he said, Oh, this is probably she's overreacting. I don't think they're going to attack us and things. But when my elder brother was came, came from school, somebody chased him with a knife. That time this lady went to protect him and that one of those guys who came, he was drunk also. He told her, You can stop now because it was her relation, somebody. He said, We are a whole bunch of us waiting there tonight. You won't see them after tonight. Then she came and begged and cried to my mother. So what i remember is all of a sudden my father and mother saying that let us go quietly after sunset don't make any noise no any sound we just walked following my parents i remember my father was the front mother was behind so we were six children very quietly walking we don't know what was happening because we didn't um, know anything no newspaper no news this happened we went there after going to the next house because we want to escape from being in this house, where we were told that it will be the all murdered. Later on, we went there. Somebody else, father's another close friend. He was one of the very important uh, posts. He was a secretary in a very big government mill. He was a Tamilian also. Father used to teach his adopted daughter. So he called him. He said, "Yes, there are a lot of people who have been killed already. You stay there wherever you are. Even of the car taxi fellow." My father bought a vehicle because whenever we used to travel with the family and he gave it to a taxi fellow so that he can take us everywhere. He, he didn't know how to drive also. So that fellow when he called, he said, Sir, I cannot come. If I come, they will murder me also. Then they he realized the intensity, saying that the driver who has our car and he doesn't want to come, so they were if I take you, I will also be killed. So then he sent a Jeep with some police. We went there, escaped. After that we started hearing my sister's uh, friends were killed and dipped in the well and killed and all those things we heard a lot of people were shot a lot of people were they used to put burning tire around the people this actually happened but none of these things came because politically it was all controlled no news went out and i know many many cases many 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 colleagues of my father many colleagues of my sister, elder sister she was 10 years older to me they were all killed so we Finally, a lot of people just escaped and came in a big ship, came to the Talaymanar, uh, this you know, Kanyakumari, Kanyakumari that end, uh, Rameshwaram. Then we came to Chennai back. So I still remember that we all walking very quietly without any knowing what the intensity of the situation or the density of the situation. We left everything, we couldn't go. We, if father want to go back and collect something from the house and the bank, he said, Don't go because. They informed, you go and take your jewel back, whatever it is. The bank fellows informed the people were waiting. So took everything, then killed you. So this was happening but actually. It came it was with happening. nothing actually. Yeah. Came with nothing. Must be very traumatic when to ah, revisit that, that memory. Yeah. Later on, into it was almost all of a sudden we were in a very nice, comfortable house and everything was good, top of the hill. Next one week later, we are in somewhere else. You know in some relative house in one room no and money nothing yeah. no money nothing it was really a refugee situation actually so for him it was uh, more than me i was just a kid i didn't know because we were given some food we know something is wrong we lost all the comfort all of a sudden we are you know none of the comforts were there <laughs> that's what we know but all the intensity and what he was going through we felt much later after we grew up and learned a lot more when a lot more stories came out things like that I'm so sorry to hear it. Yeah, there are a lot of things happens. The world is not as we think it is sometimes. Have you ever been to Sri Lanka as a musician? Yeah. After strangely, my eldest sister was living there. She was ten years older to me. She came to visit me in Bangalore. When she went back to Sri Lanka on the flight, she met one of the daughters of Madarana. She was elder daughter. She was not into politics. Sri Mao's elder sister, Sunitra. Sunetra Bandaranaka. So I believe she told my sister that I want to meet him. First, my sister was worried because, you know, why? They, because by the time you know, I was known and playing music, and can you give his number? So she called me and said, the Mr. Bandaranaka family, they want your number. I said I am in Bangalore, so give it to her, no problem. She called and came and said, you know, we are all great fans of yours. you should come back to sri lanka and perform for us. we have all your recordings, everything. this is 70s. this is 90s. so, much then later, i went back to play for her. Yeah. then i said, Did you go. i said, i'll come, but provided i celebrate my father's uh, birthday. i'll play on january 11th. they had the biggest auditorium named after Lanka. so, january, in colombo. In colombo. So, I, so she said i promise you we know what happened she was a very sensitive person also she said we love your music we want you to come back here and perform in our country i said i'll come provided you know you take me to the radio station where my father was there and if i can collect all the tapes because i didn't have any of my father's tapes everything he was working the radio station all the tapes were there everything was recorded so she promised she will take me there with, so I went with my children. She was completely with us. They gave me the prime minister's car with that thing, so security was very alert. Everything, so we went, uh, went to the radio station. Everybody have destroyed all the music of, Indian music was all destroyed. Nothing was there. She was also shocked. She didn't know the intensity. Then, subsequently, I played on January eleventh, celebrated my father's birthday because, he contributed a lot for the culture in Sri Lanka and Jaffna those days. I went, after that. I went a couple of more times just to play for on in his memory some concerts and because celebrating like one India. of our fest, one of them was our festival. One of, festi one of them our festival. One of festival for celebrating India yeah. for the 70th. 70th year. or year. Yeah. What about what about Zafna? Chafna, I have not been there yet because I. Kind Where was the stuff? temple that you sang when you first performed when you were six years old? I, That's not Jaffna, no? That is in Jaffna. There is a temple, Kandaswami Temple. It's a Murugan temple, Subramanya temple. Brother of um, Ganesh is in Jaffna. So, according to what I was told and I vaguely remember, I started my career there. It was my father's concert. In those days, they used to have a big open-air festival in a temple. Thousands of people will be sitting on the sand on the floor and no chairs, nothing. There'll be a, p a platform and the light and everything else was dark. They used to have another forum. Then dance, Bharatanatyam from you know t people who were trained in Kalachetra and everything. And my father was also performing with my sisters. So he wanted me to start that day because it was an auspicious day, some festival, something you know, you know, so, you know, but certain auspicious day. Performing in a temple, he said, It is very good for you, we should perform here. So then I went with him, but the organizer said, he is too young, you cannot, it's a major festival, thousands of people are there, you cannot do his first concert here. So they refused. So, father, in any case, he was very, very clear, very adamant, he was very determined always. I was sitting behind him, all of a sudden, in the middle of the concert, he said, Now my son is going to play a composition, he just gave me the violin. I only remember, you know, but I, these organizers were standing on one side, didn't want me to play, but I had to go back with my father, so I have to please him. So it was the situation. I have to play well also. If I don't play well also, I'll get brickbat from both sides. So that situation, my career started in Jaffna. He played, and I think he got. He did very well, and the organizers said, "Yeah, yeah, see, we wanted to encourage him, and all they were saying." And they said, said, "You know, <laughs> we wanted to introduce him." And oh, everybody is <laughs> after you once you are successful. <laughs> they all want yeah, to Yeah, same do. story. They, they yeah. went to the Credit. extent of saying, "You know, so the Lord Subramanyam has come through him, and he's playing. He wanted all of you to listen to him." They completely turned it around as if they were. It was his they side. were the one presenting yeah, to yeah, the world. Exactly. Yeah. El Subramanyam. <laughs> True story. Like it happens in life. <laughs> Then, how come from this violin performer to MVBS doctor? You know, those days, as I mentioned, when we came to Sri Lanka, by the time father has developed a lot of new techniques, he wanted violin to be as a solo instrument heard in big, big auditorium, Royal Albert Hall or you know, the Sydney Opera House. I mean, big, big houses, he wanted the thing. He doesn't want Indian concert like a lot of Indian concerts happen organized by Indian societies. In a high school auditorium, many concerts in doctor's house, in the basement, and things like that. So he said you also have to have an education. So you cannot you don't know what the future is. So I I like science. So I said I want to become a doctor. So I got pretty high marks, everything. So I applied for medicine. You were in Madras. It was in Madras. Then he told me that unless you get a seat in Madras Medical College, which is in Chennai. You can't go. Because, a very prestigious college. Yeah, very prestigious college. He said if you go out anywhere, two things he was worried about. One, I might lose my music. If I go to any other city, I won't be regularly practicing. By that time, I went to finish my PUs in Lala College. I was already performing a lot in Chennai. Got the President Award when I was uh, 16 years old. Who was the President back at uh, that Radha, time? Radha, Dr. Radha Krishnan.

Beautiful. So, what uh, basically it's, uh, I think it's I want support. to have an education. So, I went and uh, in the interview, uh, this, they asked me because there was at that time I got the President Award, it was in the newspaper, and there was a picture of uh, that time, you know, Radha Krishnan and with Pandit Nehru. This picture was there in some newspaper. So, one of the uh, professors who were in the interview. They have seen that they said, You are a musician, why do you want to waste a medical seat? One of the doctor who was in the, what interview, the board, interview board. There used to be interview? Uh, there was interview. First, you know, they, they used to call. Write written exam. The, no? Written exam. They used to call basically people and in interview and uh, ask what? Well, different questions. Uh, why do you want to become a doctor why is wow you... so one of the guys... interview for MBBS seat yeah. tell us about it sir yeah, it, it used to be like that before there was uh, and questions are... were related to science or they, they can ask anything you know because there's no preparation not like you, now you know prepare something not a, you just go there they can ask you anything in your background anybody in your family doctor why do you want to physics become... or, yeah. so the thing the doctor, they asked me why do you want to waste a medical seat? I said, he said, you are a musician, you got a president award and everything. You saw your picture. Somebody else will become a doctor. Why do you want to be a doctor? I said, no, no, I really want to become a doctor. That's why I'm here. And also, I said, unless I get a seat in Madras, Madras my father wouldn't allow me to go to any other because they can allot a seat in Tanjavur, Madurai, or Pondicherry. There are different different colleges in different places. My father very specifically said, you want to study medicine, you get a seat in Chennai. Madras, you do it. I, you can't go outside because music has to be there. You can't leave the music and go. You have to continue your music with that condition. I went and told them. I didn't expect to get a seat because you know, first of all, they think I am not going to be practicing as a doctor, which was they were partly right, but now also asking specifically, you don't. You are not in a position to say, you know, I want to sit in this college. You are being interviewed. They have to decide. So I came back and 100% sure that I'm not going to get a medical seat. All of a sudden that day morning, those days the newspaper used to come, all the numbers used to come. Numbers you know, used four, to come. Four seven, two two, seven two, hai hai. two 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 seven two two. आपको पता ही ये होता था मेरे टाइम में भी होता था कि बोर्ड एग्जाम है तो the numbers used to be printed के लोग पास हुए तो आप अपना नंबर डर-डर के देखते थे कि नंबर है कि नहीं नंबर नहीं है तो मतलब I remember this I appeared for my 10th exam in 1998. There was no internet back at that time. Haan. So, we used to check it in the newspaper. So there used to be special newspapers. What was time, so the tension that uh, time? <laughs> saw all the numbers. And um, my father said, you look at the, that time it was in Chennai, it was a Hindu a Madras. So, I looked at it and then usually what happens is the following day, they will print a supplement saying that some error. So, these numbers were error and put some other numbers. Oh, so, it was like first, Father said, "Your number has come. You check. Maybe it is an error." So, oh God! <laughs> because um, then, so uh, you had to put your celebration on hold for 24 hours. Yes. <laughs> my brother, friend, he said, "They also put up a notice in the medical college uh, board notice board. You come and check your number is there." So I took a bus went there. My number was there also. Then I was waiting till next day to open the newspaper to see the error. Then there was error of some other numbers, but fortunately not my number. You know? so I I I got a seat there that's why I went what a humiliating prank to those <laughs> I know. Oh, who thought that horrible. they have the exam oh, error 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 is is too much number number supposing it is like पीछे एकदम back पे छुरी मारने की बात होती है एकदम आप तो बच गए आप लोग When I'm in second year my father took me to a video show, somebody was showing a video those days. 8 mm some one of the great violinists I didn't know who it was they, he took me to see that video uh, in a house suddenly I see a tremendous beautiful violinist playing so fantastic and I didn't know what he was playing but I really I was fascinated I said I want to write music and bring play music like that so I want to study Western classical composition. Jascha Heifetz, no? It was Jascha Heifetz. One of the greatest violinists of, the of all time. One the greatest times. violinists in the history. Well Western violinist. So I heard that and he was playing Bach. So I really liked Bach wow. and things. So I said, you know, I want to learn this and everything. This was second year. So at that time somebody from Germany came. Uh, he took me to the concert and we learned the, heard the concert and he asked me to play for him. So he told my father, I can take him to Germany, give him a full scholarship, then he can become a very great musician and he'll be a very successful musician. Why don't you send him with me? I was very happy, my father was happy, I said I'm going to Germany and I'll accept I want to drop out of medicine and go. I went home, told my mother I want I'm planning to go to Germany because this professor said, you know, I can go there and study and get my degree there and become an international musician my mother said, no, you are not leaving this place till you finish this mbbs and get a piece of paper. whether you practice or not, you finish that house surgery, everything. because those days, you finish five and a half years and one year of, uh, you know, internship house surgery they used to call. So you finish it and then go. but i'm later on, i'm very thankful to her because when i went to us after that to do my master's in music, i had to have a bachelor's degree, even though my bachelor was not in music i had this mbbs as a bachelor's degree to do my uh, ma in music. later on, when i did phd, they asked for both ma and ba, a bachelor's degree. when i did phd, if i didn't finish medicine, i would have been 12th grade dropout. so nothing would have happened. so i'm really thankful to her for making me finish that education. interesting. How was you it? know, actually, i'll tell you something. he's got. Oh. ही डिड इज एम एन म्यूजिक फिर उसके बाद मनी मैनीयर्स योट जहाँ पे भी बोले ही गोट ऑनर डॉक्ट्रेट इन सो मैनी फाइव यूनिवर्सिटी जहाँ भी जाते थे बैंगलोर मैड्रास शफील्ड यूनिवर्सिटी सब फाइव सो आफ्टर दैट अबाउट सेवन ईयर सेवन ईयर्स अगो ही सर आई वॉन्ट पी एच डी आई सर कमॉन्ट हिंदी में बोल दीजिए कह रही है मुझे पी एच डी करना है मैंने कहा आपको तो पांच बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पीएचडी मिला अभी पीएचडी एच डी करनी नो इस ये सब्जेक्ट पर मुझे करना है रागा हारपनी पे करना है और आपको पता है गाइड पकड़े और गाइड बोले सर मेरे को तो इंडियन म्यूजिक आता है वेस्टर्न म्यूजिक नहीं आपके आपके लिए कौन गाइड बन सकता है ही नहीं आप गाइड बनो तो पूरा किया उन्होंने दो साल मेहनत करके पूरा थीसिस करके ही गेव हिज डिफेंस और ही गॉट अ पी एच डी फाइव ईयर से गो फाइव ईयर फाइव एंड हाफ वाह डॉक्टर एल सुब्रमण्यम और तब से मुझे बोल रहे कि तुम्हें भी मैं, मैं तो सिर्फ बीए पास हूँ एम ए भी नहीं किया मेरे को कौन पीएचडी देने वाला है तो मैं आपको पहले और मैं और बिल्कुल लेज़ी मैंने कहा मैं तो ऑनरी पीएचडी से बहुत खुश हूँ मुझे ऑलरेडी दो तीन दि, लिखना है और फिर वोकल में गायन में और फिर उनका वाइवा लेने को आ रहा है

जितना कमाल का आप गाती थी कॉलेज के बहुत सारे फेस्ट में परफॉर्म करती होंगी म्यूजिक से इतर कैसी थी कॉलेज लाइफ कॉलेज लाइफ तो जेवियर्स में फैंटास्टिक था क्योंकि एक तो वहाँ नाट्य मंडल हुआ करता था नाट्य मंडल में मेरे जो कलीग्स हैं उसमें सतीश शाह ये लोग सब मेरे कलीग्स थे कौन कौन सतीश शाह और फिर आ, और एक पारसी एक्टर का नाम भूल रही हूँ बाकी फारूक शेख जी आना जाना उनका होता था वो प्ले डायरेक्ट करते थे संगीत नाट्य मंडल के लिए और नाट्य मंडल में कुछ और लोग भी थे और एक एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है एम सो सॉरी पर आपको पता हो अनिल कपूर जी तो जूनियर थे मेरे पर सब वो कैंटीन में आप कभी आएंगे तो देखते थे कि किसी का मतलब बोनी कपूर जी सब मतलब सब जेवियर्स के हैं तो एटमॉस्फेयर इतना आर्टिस्टिक होता सब मतलब सब म्यूज़िक के लाइन फिल्म के लाइन ऐसे ही हाँ तो उस जमाने में ऐसा ही था और फिर आ, 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 पढ़ाई भी प्रोफेसरस बहुत मेरे तो बहुत एक इकोनॉमिक्स के जो मेन प्रोफेसर थे एक थे तो वह मैथ्स का क्लास बहुत मिस करती थी जब कैलकुलस होता था वो क्लास थोड़ा मिस करके थोड़ा बीच बीच में पिक्चर विक्चर देखने चले जाते थे हम लोग ग्रुप से तो ही माई हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट वॉज वेरी नाइस

मन्नादा के क्लास है सर इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन सर हेमंदा का फोन हेमंदा एक अपने घर बुलाए मुझे बोले शो पैसे लेके जाओ तो गए पैसे वैसे लिए बोले बैठो चा, चाय चाय पिए चाय चाय कविता के लिए चाय लाओ मम्मी के लिए चाय लाओ चाय पी रहे थे तो फोन उठाया और बंगला में मन्नादा को बुला तुम ढूंढ रहे थे ना एक लड़की आ, बंगला में तुम्ही मन्ना मन्ना तुम एक मे खाने कविता शारदा भलो गए तुम्हें नहीं जो पारो के शो ते तुम्हारे क्लासिकल बोझे क्लासिकल म्यूजिक बोझे तुम्हारे गेले गान को, तुम गान तुम खुद छेना इज आई एम सेंड हर टू यू तो फिर मन्ना ने उनको क्या बोला मुझे पता नहीं ही मन्ना दा का फोन आया कुछ प्रोग्राम आया तो तुम जाके गाना उनके साथ मैं तो एकदम हाथ पैर मेरे ठंडे क्योंकि मन्ना दा का बचपन में एक गाना मेरे सिर पे भूत के तरह घूमता था पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई वो गाना मैं जब भी रेडियो में आए सब छोड़ के मैं वो पूछो ना ऐसे बैठ के पूछो ना और लगता था कि क्या रे लग रहा है क्या ध लग रहा है क्या माँ लग रहा है उस टाइम गुनगुनाने की हिम्मत नहीं होती थी मैं सिर्फ उसके धुन में लगे रहते सुनते तो वो मन्ना डे जी के साथ गाना मतलब ही वॉज ट्रेमेंडस आर्टिस्ट थोड़ा सा गुनगुना दे तो पूछो ना कैसे बहुत मुश्किल गाना है आपने कितने मुश्किल गाने बरते हैं हाँ नहीं फिर भी वो वो उस तरह से सुर लगाना <laughs> पूछो ना कैसे मैंने रे बिताई पूछो ना कैसे मैंने रेन बिताई एक पल बीता एक युग बीता युग बीते मोह बी पूछो ना कैसे मैंने रेन बिताई ये गाना था वो आता था रेडियो पे पागल हो जाते थे तो फिर कट टू उनके जो शाम राव परसतवार जो ढोलक बजाते थे वो दूरदर्शन में बहुत ढोलक बजाते थे आप लोगों ने उस टाइम का दूरदर्शन मेरे ज़माने वाले उनको देखे होंगे बोले आप एक काम कीजिए आप ये ट्रेन की टिकट भेज रहा हूँ आप सूरत आ जाइए मन्नाडा का शो है सूरत सूरत हाँ मैंने कहा पर रिहर्सल मन्नादा के साथ बिना रिहर्सल नहीं, नहीं नहीं आप आ जाइए सुबह दोपहर को रिहर्सल होगा शाम को और मैं मन्नादा से पूछ के क्या क्या गाने आपको याद करना है बता देता हूँ ये रात भीगी भीगी आ जा सन मधुर चांदनी से तू छुपी है कहाँ और मैं नर्वस होती जा रही हूँ कि ये सब गाने और तुम गगन के चंद्रमा ये सब कुछ लिस्ट आया तो मेरे से जितना हो सका मैंने सीखा तो कट टू सूरत ट्रेन में पहुँची सुबह नाश लंच वंच खा के तीन बजे रूम में मनादा रूम दरवाज़ा खुलते ही एक मैं सोचे मैं कॉलेज में हूँ उस टाइम दैट टाइम आई वाज इन द सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज आई एम स्टिल अ वेरी नर्वस स्कूल गर्ल मामूनी आपके साथ जाती थी हाँ तो दरवाज़ा खुला ऐसे मनादा मुझे देख रहे हैं बाजा के साथ एशो बोशो बैठो और मैं और मामनी ऐसे बैठे मैं ऐसे ही बैठ रही हूँ और सामने मामन दादा शामराव परसतवार जो अकॉर्डियन उस टाइम अकॉर्डियन बजता था नो कीबोर्ड्स नो अकॉर्डियन जो पदमा सेक्सोफोन सब ऐसे निक नई लड़की बैठी है देख रहे हैं मुझे नहीं, पता नहीं क्या गाएगी है तो मना था शुरू शुरू किया उन्होंने आ जा सनम मधुर चांदनी तो पता नहीं मैं गाते गाते मैंने मैं गाई उसके बाद ये रात भी, भी, भी ये भी हुआ ऐसे करके चार गाने रिहर्सल हुए बोले अच्छा बी रेडी एट सिक्स थर्टी टू गो फॉर द कॉन्सर्ट ऐसे ओके दादा तैयार हुए सिक्स थर्टी आई वेंट ऑन स्टेज कुछ क्या गाओगे तुम मैंने कहा कुछ लता जी के गाने अच्छा जाओ दो तीन गाने गाकर आ जाओ दो तीन गाने गाए कुछ बोला नहीं उसके बाद ड्यूएट्स भी हुए मेरे लास्ट में लास्ट में ड्यूएट्स सब होकर ख़त्म हुआ फिर हीडन से अ वर्ड टू मी यू नो हीडन से एनी थिंग टू मी वेरी कुछ बोले अच्छा मामनी मामनी को नमस्ते वमस्ते किया आई केम बैक टू द होटल आई वेंट होम एंड within इन week वीक आई गॉट concert and then for फॉर years I आई with him हिम years ईयर्स आई साइन विद From 1972 to 88, टू एटी एट कहीं भी अब्रॉड फॉरेन जाती थी बोलते थे कहाँ आज प्रोग्राम नहीं है तो शॉपिंग का प्लान है ऐसे मना था थोड़ा जाएंगे यू में अभी हारमोनियम भेज रहा हूँ पहले एक घंटा प्रैक्टिस करो और फिर जाओ एंड यू ऑलवेज यूज़ टू मेक श्योर कि मेरा रूम उसी फ्लोर में हो ताकि हारमोनियम मेरे पास आ जाए और मुझे बजाना नहीं आता मैं सिर्फ सुर पकड़ती थी पर उस टाइम कोई फ़ोन नहीं था इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा नहीं था वो सुर बजा के मैं एक घंटा प्रैक्टिस करके हारमोनियम वापस उनके पास जाता था फ्री शॉपिंग टू बी सो डिसिप्लिन वेरी वेरी डिसप्लेंड आप से उन्होंने पूछा आपने कहा मैं लता जी के गाने गाऊँगी आज की तारीख में अगर हम म्यूज़िक रियलिटी शोज़ देखें रियाज देखें तो लड़कियां आगे कहती हैं कि मैं कविता कृष्ण मूर्ति के गाने <laughs> विश्वास नहीं होता ना अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता कि ईश्वर कि मेरे ऊपर इतने इतना प्यार दिया है भगवान ने और इतना मुझे पूरी जिंदगी भर मुझे पूरी जिंदगी भर जब से मैं बॉम्बे आई और इस करियर में मैं आई तब से मुझे लगता है कि हर तरह उन्हें रोशनी फेंका कि अभी तुम लेफ़्ट जाओ अभी तुम राइट जाओ बस उन्होंने एक ही बात कही कि तुम अपना रियाज करो अपना काम करो बाक़ी मेरे पर छोड़ो भगवान ने ऐसा मुझे रास्ता दिखाया कि कौन कहता है कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग नहीं है इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले हेमंदा मन्ना दा सब दे वर लाइक माई फादर्स फिर तलत साहब मन्ना दा ने फिर तलत साहब के साथ इंट्रोड्यूस करवाया वो भी एक लखनवी जेंटलमैन हाँ लखनवी जेंटलमैन बोलते कम हैं एकदम रिफाइंड सिंगिंग और इतने अच्छे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग फिर लक्ष्मीकांत प्यारालाल hmm. मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि उन दिनों में मैं लता जी की डबिंग करती थी मैं बड़ी सिंगर तो थी नहीं मैं गाती थी पैसे लेके घर चली जाऊंगी फिर बाद में लता जी गाएंगे वो हमारे व्यूअर्स को बताना पड़ेगा ये लता जी की डबिंग से क्या डबिंग मतलब, मतलब क्या है कि एक टाइम आया कि लक्ष्मीकांत प्यार लाल जी क्या मुझे हेमा जी की मम्मी जया चक्रवर्ती जी लेके गई और बोली ये हेमा की कजन है आप इसका गाना सुनिए तो मैंने भलता ही कुछ लता जी का गाना गाया मेरा मतलब मेरा गाना सुन के मुझे कहाँ मौका देने वाले थे मतलब सच बोल ऐसे हजार लड़कियाँ गाती हैं इस तरह इसके ऐसे, ऐसे कुछ हुआ होगा पता नहीं एनी वे कट्टू की एक दिन चंद्रकांत जी उनके सेक्रेटरी का फोन आया कि कविता जी क्या कर रहे हैं आप आ, मैंने कहा कुछ नहीं बोलते थे। मतलब वो उनके सेक्रेटरी से बात कविता जी क्या कर रहे हैं आप ऐसे बात करते थे बस आप एक काम कीजिए कल लक्ष्मी जी के यहाँ साढ़े छः बजे आज के पहुँच जाइए मैंने कहा लक्ष्मी जी के यहाँ बोले हाँ मैं चंद्रकांत बोल रहा हूँ आप आ जाइए कल तो मम्मी को लेकर साढ़े बजे गई तो फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए ये गाना लता जी गाएंगी ये शूटिंग के लिए है आ, चाचा भतीजा इस फिल्म का था शायद गाना हेमा जी थी उसमें और गाना था सबसे पहला बाटली को तोड़ दे शराब को छोड़ दे ये गाना मैंने रिहर्सल किया पता था कि लग, कल लता मतलब मैश पूरी म्यूजिशंस के साथ महबूब स्टूडियो में मैं गाऊंगी ये गाना और फिर उसके बाद क्योंकि हीरोइन को एक लड़की की आवाज़ में शूटिंग करना इजी है सुनेगी तो लक्ष्मीकांत जी की आवाज़ में कहाँ इमोशन तो लड़की की आवाज़ से होगा तो मेरे से गवाएंगे और शूटिंग के बाद जब भी लता जी फ्री होंगी लता जी आकर वो गाना ऑडियो के लिए और फिल्म के लिए लता जी गा के जाएंगे और पूरे ऑर्केस्ट्रा की प्रैक्टिस भी हो जाएगी मेरे साथ मेरा पूरा ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रैक्टिस एक तो एक तो सौ फुल ऑर्केस्ट्रा हाँ। और एक भी मिस्टेक मैं करूं और री रिकॉर्ड करूं तो आप सोचिए एक सौ सो चेहरा मेरे तरफ देखेगा कि इस लड़की ने गलत गाया भी इसके लिए वापस रिकॉर्ड करो पंचमदा का रिकॉर्डिंग है कैसे जाएंगे हम लोग तो मुझे बहुत टेंशन था कि मेरे वजह से टेक कट नहीं होना चाहिए तो गाना बाकायदा याद करो हॉल में जाके उनके साथ रिहर्सल करो फिर माइक पे जाके गाओ और फिर वो गाना जाता था लता जी के पास मेरी आवाज के साथ लता जी के पास पहुँचेगा फिर लता जी आके गाएंगी आपको पता है कि मैं 1978 84 सारे क्वाइट 70 परसेंट ऑफ लता जी सॉन्ग्स मैं डब करती थी फिर वो टेप लता जी के पास जाता था और फिर लता जी गाती थी इसको डबिंग बोलते 90's, 1942, हाँ. एक गाना जो आपकी आवाज में रिकॉर्ड हुआ और फिर डायरेक्टर ने कहा कि ये गाना हम लता जी से गवा लेंगे जी जी कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो एक्चुअली क्या हो आपको बताऊं जनवरी ट्वेंटी नाइन्थ को पंचमदा का फोन आया कि कविता ये पूरा गाने का सिचुएशन बदल मैं ऑलरेडी गा चुकी थी ये गाना बोले इसका सिचुएशन बदल चुका है भी बैकग्राउंड बैकग्राउंड में जा रहा है गाना तो यू डोंट माइंड कमिंग एंड सिंगिंग इट आई आई व्हाट डू डू यू मीन माइंड ऑफ कोर्स विल कम एंड सिंग इट फॉर यू व्हेन यून व्हेन शुड आई कम टूमोर डे आफ्टर बोले नहीं नहीं ट्वेंटी नाइनथे न्यू ईयर पास हो जाने दो तीन चार तारीख को अपन ये गाना रिकॉर्ड करते हैं और मैं जैसे बोलूँगा तुम दोबारा गा लेना उस गाने को पर चार तारीख को तो पंचम दा गुजर गए थर्ड राउ थर्ड नाइट को मैसेज आया अर्ली मॉर्निंग की दादा चले गए बहुत बहुत परेशान थे हम लोग सब पूरी इंडस्ट्री परेशान थी उसके कट टू मे बी एक महीना हो, हो गया 94, होगा नाइन्टी फोर अबाउट फिफ्टीन ट्वेंटी डेज लेटर आई थिंक आई गॉट विद्धू विनोद चोपड़ा जी कॉल कि कविता जी आप इधर से गुजर रहे हैं तो प्लीज स्टूडियो में मैं एडिटिंग कर रहा हूँ लव स्टोरी का आप एक बार आ जाइए मैंने कहा ठीक है तो वहाँ आई तो विद्धू जी बोले कि देखिए एज अ लास्ट ट्रिब्यूट टू पंचम हम चाहते हैं कि लता जी ये गाना गाएं आपने आप ऑलरेडी गा चुकी हैं और आपको गाना था वापस मुझे पता है पर आपकी मुझे परमिशन चाहिए कि मैं लता जी से ये गाना गवाऊँगा आई होप यू डोंट माइंड ऐसे एक तो पंचम दात चले गए मैं इसी दुख में हूँ अभी आई डोंट माइंड एंड सेकेंडली लता जी मेरी गुरु है आप गुरु से मेरे गुरु से गवाएंगे तो मेरे को शिकायत कैसे हो सकता है वो मेरे गुरु के स्थान में आप ज़रूर गवाइए सर बैक डॉट कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो पर आपको पता है मैंने वो गाना रिलीज किया रिसेंटली यूट्यूब में उसका एक वर्षन पंचमदा ने बनाया था जिसमें फीमेल वॉइस के लिए उन्होंने कम्प्लीटली अलग अंतरा बनाया था कम्प्लीटली अलग तो उस रिहर्सल में विद्दू बोल रहे दादा मेरे पास पैसे नहीं है और मैं ये गाना उनको बोलिए शानुदा के उसी ट्रैक में गायें मैं नया ट्रैक नहीं बना सकता हूँ तो पंचमदा बोल रहे यार सुन ले कितना अच्छा अंतरा मैं बनाऊँ बोला नहीं चलेगा तो वो पूरा अंतरा मेरे पास है तो फिर मैंने जावेद साहब को फोन किया मैंने कहा आई वॉन्ट टू डू एट्रीब्यू टू पंचम दा तो जावेद साहब के पास वो लिरिक्स था तो उन्हें फॉरन फोन में बोले लिख लो वो लिखे और मैं वो पूरा अलग अंतरे के साथ मैं गाई इसको दो लाइन उसकी वो थोड़ा मुश्किल है गाना आपको ओरिजिनल सॉन्ग आपको याद है ना तरा तारा तारा ये ओरिजिनल अंतर है ना इसमें अलग है तो वर्ड्स याद नहीं है मुझे सुनी नारा, दरा, 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 रा द रा दा तारा रे रा तारा रे दा तारा रि रि रे रे बसे बसे एक मैं हूँ बस एक तुम हो ऐसा था ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल हेयर मेड वो यूट्यूब पे है आई लव दिस आई लव दिस अंतरा हम लोगों ने पंचम दा की खूब कहानियाँ सुनी आरडी डी बर्मन साहब की हाउ इज ही फैंटेस्टिक आई हैव नॉट सीन अ बेटर पर्सन इन माय लाइफ इन माय लाइफ आई हैव नॉट सीन अ राजा ही वाज़ अ रॉयल ब्लड ही वॉज अ रॉयल मैन और बहुत मतलब जैसे हम लोग बैंकॉक uh, प्रोग्राम के लिए गए अमित कुमार और हम लोग और बोल रहे हैं कि ये सूप बहुत अच्छा बना है आप बींग अ मैन आई कैन नॉट आस्ट द शेफ जस्ट फाइंड आउट वट ऑल ही इज़ पुट इन द सूप सो द शेफ केम सेड आई होप यू लाइक एवरी थिंग इन थाईलैंड सो आई सेन यू टेल मी दूप इज़ वेरी नाइस टॉम समट ऑल हैव यू पुट ओ आई पुट गिस पंचम दा ने पूरा नोट कर लिया

और बोलते थे क्या बोलते थे बोलते थे कि ये लड़की जो आपके सामने अभी गाएगी कविता कृष्णमूर्ति इसको ब्रेक मैंने नहीं दिया इसको ब्रेक मेरा फ्रेंड लक्ष्मीकांत प्यार ने दिया है और उसको बड़ा सिंगर बना इसलिए मैं अब मेरे प्रोग्राम में वो आई है गाने के लिए आप इससे हवा हवाई सुनिए देखिए कितना अच्छा ये गाना गाया कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर और एक म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में ऐसे स्टेज में बोलना बहुत बड़ी बात है ना वेरी 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 फैंटास्टिक मैन रेली really, रेली really. बहुत मुश्किल रहा होगा एकदम से उनके जाने की खबर से पूरी इंडस्ट्री आपको बताऊं मतलब फिल्म सेंटर के दरवान या चाय देने वाले से लेकर आई थिंक बच्चन साहब तक एवरीबडी क्राइड मन्ना दा तो बहुत रोए उस दिन नो एवरीबडी बडी शॉक्ड और उन्होंने दुख इस बात का था कि उन्होंने वो सक्सेस स्टोरी होके उनका एकदम डाउन पीरियड आ गया था और ये लव स्टोरी उनको वापस पटरी में लेके आएगा वो उन्होंने सक्सेस देखा नहीं ये लव स्टोरी रिलीज के पहले चले गए जबकि उसका म्यूजिक आज तक हम लोग सुनते आज हैं आज तक और उसके बाद आप देखिए कितना उनका रीमिक्स होने लगा कितने सारे गाने उन्होंने कोई सक्सेस देखा नहीं और बहुत एक्चुअली उस दौरान उन्होंने बहुत सफ़र भी किया था क्योंकि मैंने सुना ये कहानी की लव स्टोरी भी वो कंपनी वाले नहीं चाह रहे थे कि पंचमदा का म्यूजिक हो क्योंकि वो फ्लॉप फ्लॉप म्यूज़िक डायरेक्टर है मतलब सक्सेस स्टोरी नहीं है तो वो चाह रहे थे कि तो बिद्धू विनोद चोपड़ा जी एक पैर मुले नहीं माय म्यूज़िक डायरेक्टर्स आर डी बर्मन आपको मेरा म्यूज़िक लेना है तो आर डी बर्मन के साथ लेना है नहीं तो नहीं लेना है और ये बात पंचमदा के कान तक पहुँचा और उन्होंने कहा कि मैंने कितना इस कंपनी को हिट्स दिया है मैंने और आज मेरे बारे में इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो उन्होंने एक चैलेंज लेकर उन्होंने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया और and, you he, didn't, the last and he didn't live to see the success of this so sad i was very sad when i got my first film fair after being in the industry for so many years hava Hawaii ko nahi mila uh, om my first film fair was love story 1942 and he, i went up on stage and i was shaking because i said every award was by every music award went to pancham to love story 1942 and dada was not there to see the success

हाँ उसके पहले क्या था कि बॉक्सर हम हैं लाजवाब करिश्मा ऐसे सब में मैंने गाया और सारे फिल्म फ्लॉप होते थे पंचमदा भी का टाइम नहीं ठीक नहीं था मेरा भी शायद टाइम ठीक नहीं था सारे एवरी फिल्म अ फ्लॉप हम हैं लाजवाब अ फ्लॉप करिश्मा मैंने आशा जी के साथ गाना गाया वो भी फ्लॉप बॉक्सर में भी ठीक ठाक शादमानी ठीक चला बट ऐसे कुछ खास नहीं था तो पंचमदा कभी मिलते बोलते थे मैं तुम्हें एक अच्छा फिल्म में गवाऊँगा

थर्ड टेक उसमें क्या हुआ एक मैं गा रही थी सडनली सेकेंड टेक के बाद उनको लगा कि एक लाइन पंचमता का जो मास्टरी था कि ले छोड़ छोड़ के गाना तो दैट पर्टिकुलर लाइन ही सेट तुम जरा यहाँ ले छोड़ के गाओ हमको ऐसे थ्योरी समझ में नहीं आ रही आपको बताना पड़ेगा अच्छा अंतरा था तितलियों से करा मैंने किसा बाग का बाग में थी एक कली शर्मिली छु हा एक दिन अभी जैसे ले चल रहा है भवरा, आ गया। ना मैं ऐसे गा रही थी मैंने कहा थोड़ा ले छोड़ दो एक दिन चला हो भवरा आ गया उन्होंने सिखाया कि ऐसे छोड़ के गाओ जरा वो भवरा वो थोड़ा छोड़ के जो गाना होता है ना उन्होंने कहा ऐसे गाओ तो वो थर्ड टेक था मेरा ऑलमोस्ट साउंडेड लाइक द अनप्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी ऑफ हां वो पंचमदा का बहुत स्ट्रांग पॉइंट था ले आप लोग एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्ण मूर्ति को सुन रहे हैं लेकिन इस बार के गेस्ट इन द न्यूज रूम में एक सरप्राइज भी है मसला ये है कि ये लोग एक ग्लोबल कॉन्सर्ट के लिए शहर शहर जा रहे हैं और जब आप ऐसे कॉन्सर्ट में जाते हैं तब आपके साथ दर्जनों की संख्या में और साथी कलाकार होते हैं और होता है रियाज तो इस दफा ये गेस्ट इन द न्यूज़ रूम दो टुकड़ों में कुछ हफ्तों के अंतराल में रिकॉर्ड होगा ये पहला हिस्सा है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये हम पहले पार्ट का ब्रेक लें उसके पहले हाँ जी। ये जो हवा हवाई गाना है जिसपे एक किताब लिखी जा सकती है वॉज इट योर फर्स्ट हिट फर्स्ट मेजर सॉन्ग कोंगे उसके पहले प्यार झुकता नहीं का एक गीत आया था तुमसे मिलकर ना जाने क्यों जी वो काफी पॉपुलर हुआ था हाँ हाँ पर वो course. बच पर वो अलग टाइप का गाना था फर्स्ट नॉटी गाना जो बोलते ना फर्स्ट आइटम टाइप का जो गाना था ये सबसे पहले मतलब सबसे

घर में अंदर घुसी उसके बाद बैठ के पक चिकी लगेज मम्मी तो मम्मी सोची मैं कुछ पागल हो गई हूँ कि मैं सार खाली पक चिकी लगे चिकी चिकी लगे चुमता है जब चिकी लगे ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे बैठाना ये, ये जावेद साहब का इंटेलेक्चुअल मामला था काफी इंटेलेक्चुअल हुआ हॉन लू देखिए कितना डीप वर्ड्स पिंग पोंग <laughs> <किंग -गॉंग। laughs> फिर म्यूजिशंस आए बोले लक्ष्मी जी वो लसी पीसी है तो अस्सी तुसी भी हो सकता है बोले बोली लिख लीजिए कविता जी जो जो बोल रहे हैं लिख लीजिए तो उस वहीं से किसी ने कहा किंगकॉक तो हांगकॉन्ग भी हो सकता है चलिए होंगकॉन्ग लिख लीजिए फिर तो दो बजे जावेद साहब आए और बोले कल लक्ष्मी जी सबसे अच्छा वर्ड है इस पीस का एंडिंग के लिए मुम बासा मेरे को रात को सपने में आया बोले लिख लीजिए मुम बासा तो उससे मजाक चल रहा था क्या उसको फिर स्टूडियो में दो बजे लक्ष्मी जी जब तक प्यारे भाई म्यूजिक तैयार कर रहे थे एक सौ म्यूजिशंस थे चालीस कोरस सिंगर्स थे जब तक उनका पार्ट दिख मतलब तो चार पाँच घंटे तो लग जाएगा म्यूजिशंस को तैयार करने में तब तक हम लोग म्यूज़िक रूम में बैठ के वहाँ पर फिर इसका कॉम्पोजिशन हुआ फिर उसके बाद जब प्यारे भाई बोले आइए आप हॉल में गाने के लिए तो लक्ष्मी जी बोले सुन लीजिए हमने क्या ओपनिंग किया है इसका प्यारे प्यारे भाई को बोले आप ही सुन लो कि उसके फिर उसके कॉर्ड्स बजेंगे ना उसके पीछे तो तब जाकर मैं हॉल में के चीकी चीकी के किया मैंने। <laughs> तब जाकर हुआ, <laughs> हुआ शुरू करती थी ना तो मुझे सारे म्यूजिशियंस थोड़े हंसते थे और उनको मैं भी young, तो मुझे भी थोड़ी हंसी आ जाती थी मैं ऐसे करके हंसती थी तो ऐसे करके दो तीन बार कट हुआ रिहर्सल तो वहां से प्यारे भाई अपने क्या कर रहे हैं आप लोग प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट हो रहा है आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो हंसी मजाक हो रहा है क्या क्या समझे आप लोग सीरियस हो जाइए तो सीरियस हो जाइए जी बोले तो मैं तो बहुत डर गई उसके बाद रिहर्सल पे मैं पक्की चिकी लकी चिकी चिकी लकी वैसे कर रही थी मैं ओ गॉड यू मेड अ सीरियस सॉन्ग फाइनली जब हॉल से निकलकर अपने सिंगर्स के केबिन में अकेली गई तब मुझे ऐसा लगा ऐसे गाऊंगी तो नहीं चलेगा ना ये श्रीदेवी का श्रीदेवी को मैं जानती नहीं हूँ पर ये गाना तो कुछ है ऐसे आइटम सॉन्ग इसको मैं पक्की चीज नहीं होगा ना मेरे से लक्ष्मी जी डांटेंगे ना बेजान गा रही आप तो तब जाके जब स्टूडियो का कैबिन का मेरा सिंगर्स का कैबिन का दरवाजा बंद हुआ और मैं अकेली थी तब जाके मैं वापस शेरनी बनी और मैं गाई ये गाना तारे भाई के सामने बहुत डरी हुई थी मैं अब जब भी जावेद साहब से मिलूंगा तो ये जरूर पूछूंगा ऐसे इंटेलेक्चुअल गाने के बारे में कविता जी ने कहा कि बड़ा इंटेलेक्चुअल गाना था उनका <laughs> पर देखिए जावेद साहब ने ये भी लिखा लिखा ना क्यों नए लग रहे हैं ये धरती का गन दिल ने कहा चुपके से कितना सुंदर गाना नहीं नहीं अरे वो तो है ही तो कमाल तो के राइटिंग मेरे हिसाब से मैं काबों की शहजादी मैं हूँ हर दिल पे छाई क्या लिखा है उन्होंने और वो वो जब हम लोग अरुण भैया की और सीमा की कहानी देखते हैं तो और जब वो ये गाना आता है तो वो लिटरली लगता है कि ये श्रीदेवी और हाँ। श्रीदेवी का पूरा किरदार ऐसा ही हो सकता है ऐसा ही हाँ। really? और yes. ये मुझे लगता है किसी भी प्लेबैक सिंगर के लिए बड़ी कमाल की बात और कमाल का कॉम्प्लीमेंट होता होगा जब हमें लगे कि यही गा रही है। हाँ। yes, yes. वो ऐसे ही लगता है ना उसमें आपको पता है एक अंतरे में पहले अंतरे में मैंने गड़बड़ गाया क्योंकि वो स्क्रिप्ट था और वो गाना मुझे बताया गया था कि आशा आशा जी गाएंगी मेरा डबिंग डबिंग ही था तो, अच्छा, हाँ, था था तो आपको के लिए बुलाया था। था। ये प्रॉमिस किया नहीं था कि वो गाना मेरा है बोले ये एक शायद आशा जी गाएंगी ऐसा कुछ बहुत बड़ा फिल्म है पर डबिंग हो या कुछ हो आई ट्राई एंड गिव माई बेस्ट पर फर्स्ट अंतरे में आई मेड अ मिस्टेक तो जब गाना ओके हो गया फर्स्ट के बाद ओके जब हो गया तब मैं भाग के लक्ष्मी जी बाहर बैठ के सुनते थे गाना तो लक्ष्मी जी मैंने इसमें गलत गाया बोले कुछ नहीं वो तो डब जब डब हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा डोंट वरी उसके बाद छः महीने के बाद उनका जब फ़ोन आया कि कविता जी आपकी आवाज़ में रख रहे हैं गाना तो मैंने कहा बहुत खुश हुई फिर तो बोले पर लक्ष्मी जी मैंने गलत गाया इसमें बोले गलत गाया आपने मैंने कहा जीनू जो तुमने बात छुपाई वो था जानू जो तुमने बात छुपाई Hmm. बोले कविता जी आपने ऐसा गाया और श्रीदेवी जी ने ऐसे उनका किरदार ऐसा डांस है ऐसा लगेगा कि ये जीनू ही होना चाहिए जानू तो होना ही नहीं चाहिए तो आपने जो भी गाया बिल्कुल ठीक है और तो सर ऐसे ही रखा हूँ गाना आप इसकी ओपनिंग हमें गुनगुना दीजिए फिर मैं क्लोजिंग लूंगा <laughs> See Lucy, you see Lucy I see Lucy. see, let's see, Moon, ba, sa, Ping Pong

उस्ताद कहते हैं कि कुछ ख्वाहिशें बची रहें तो वापसी की वजह भी बनी रहती है कविता जी और एल सुब्रमण्यम साहब के साथ ये म्यूजिक की जर्नी इंसान के हौसले की जर्नी और हिंदुस्तान की जर्नी क्योंकि ये जो महान वायलिन वादक हमारे साथ हैं ये उस बरस पैदा हुए जिस बरस हमारा मुल्क आजाद हुआ 1947 तो इनकी और देश की जर्नी में बहुत आपको सिमिलरिटी आखिर में हम और आप ही तो ये देश है तो इस जर्नी पर हम फिर लौटेंगे अभी हमें इनके फेवरेट गाने सुनने हैं और उम्मीद करते हैं कि सेकंड पार्ट में सर का थोड़ा सा वायलिन भी सुन सकें अवश्य अब देखिए मैम शी प्ले Maybe some. Yes, he'll get his yes. you. और वो गाना तो जरूर ही, स्टार का तुमको पा ही लिया वेन यू फील द नीड ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने आप में oh. इतना संपूर्ण लगता है oh, Shukya, थैंक यू सो मच दैट्स सच काइंड वर्ड्स वेरी वेरी सो थैंक यू सो मच ये कभी you. हमने अपने किसी बुजुर्ग से सुना था कि uh, मन्ना डे जब गा रहे हो या हिमंदा गा रहे हो तो कई बार वो इतनी संपूर्णता और पवित्रता में आलाप लेते थे कि लगता था कि ये काफी है अभी और कुछ नहीं चाहिए हा, हा, और वैसा ही हमने आपकी आवाज में महसूस किया है बहुत शुक्रिया सो सो थैंक यू सो मच एंड सेकेंड पार्ट yes, और ये हमारा आपका ईमानदारी का रिश्ता है कि हम कंटिन्यूटी के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं और इस बातचीत को जैसा मैंने कहा दो टुकड़ो हम रिकॉर्ड करेंगे टिल देन गुड लक ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस म्यूजिकल कॉन्सर्ट थैंक थैंक यू